हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आव्यूह जो चैप्टर था यानी मैट्रिसेज जो चैप्टर था वो ख़त्म कर चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब उन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उनको करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले भी कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं और ये भी रहेगा। ठीक है, और अब इनके अलावा कोई टाइप के आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, और जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला शायद आप में किताबों में मिल सकता है। ठीक है, आप व्यूहों के माध्यम से कैसे तीन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वो आपका आपके सिलेबस में अब नहीं दिया हुआ है, तो उनको जिनको मन है वो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो करते हैं। मतलब जो भी ये क्वेश्चन पहले जो करवाए हैं और जो यहाँ पे करवाने जा रहे हैं इनके अलावा और प्रकार के नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिए, देख लीजिए कैसे बता रहे हैं, फिर आप अपने किताब से ठीक है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर सेंड करिए, उसका कुछ किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ है नहीं अब। ठीक है, पहले चैप्टर में, अब इसके आगे अभी में कुछ और भी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पहले तो इनको करते हैं। कह रहा कि यदि a बराबर इतना है तो ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो चूंकि ये इसमें क्या क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब आ रहा है, तो हमको सबसे पहले क्योंकि ए तो दिया हुआ है और आई हम जानते हैं कि इकाई आव्यूह होता है, तो उसको लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं हम। ठीक है, हम आसानी से लिख सकते हैं। तो है किसमें दिक्कत? दिक्कत है आपका कि एक सेकेंड, हाँ कि दिक्कत किसमें है? दिक्कत यह है कि ए स्क्वायर और ए क्यूब कैसे हम लिखें। ठीक है, तो जैसे हमने बताया अभी था कि ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू, ठीक है, तो ए इंटू ए तो निकालते हैं, ए इंटू ए, ए आपका है 132, 203, 1 माइनस 1 -1 इंटू फिर से मतलब वही चीज 132, 203, 1 माइनस 1 -1। तो क्या करते हैं हम गुणा में, आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये पहला देखिए, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं कौन सा अवयव, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो इसमें से पहला पंक्ति लेंगे, इसमें से पहला स्तंभ लेंगे, फिर जो संगत अवयव हैं उनका गुणा कराएंगे। ठीक है, तो एक में एक का होगा 1, फिर प्लस 3 में 2 का होगा 6, प्लस 2 में 1 का होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना चाहते हैं यानी दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरा पंक्ति लेंगे और इसमें से पहला स्तंभ लेंगे, तो 2 में 1 का होगा 2, 0 में 2 का होगा तो 0, 3 में 1 का होगा तो 3। ठीक है, फिर आप लिखना चाहते हैं तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का होगा, तो तीसरा पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे, पहले में से पंक्ति लेते हैं, दूसरे में से स्तंभ लेते हैं, तो 1 में 1 का होगा 1, -1 में 2 का होगा -2, -1 में 1 का होगा -1। ठीक है, यानी पहला स्तंभ पूरा हमने लिख दिया ए स्क्वायर का, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर। दूसरा स्तंभ लिखते हैं, तो दूसरा स्तंभ में पहला पंक्ति होना चाहिए, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 में 3 का होगा तो 3, 3 में 0 का होगा तो 0, 2 में -1 का होगा तो -2। फिर क्या लेंगे, ये रो फिर ये कॉलम लेंगे, तो यहाँ पे जो लिखेंगे ठीक है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरे ये स्तंभ में लिखना चाहते हैं तो दूसरा पंक्ति लेंगे और इसमें करेंगे, तो हो गया ये 6, ये 0 का 0 में हो गया 0, और 3 का -1 में हो गया तो -3। ठीक है, अब यहाँ वाला हम अब डायरेक्ट लिखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं कैसे करना, 1 में 3 का होगा फिर 3, -1 में 0 का होगा तो फिर 0, और -1 में -1 का होगा तो +1। ठीक है, अब फिर लिखना हमको तीसरा तीसरे स्तंभ का। ठीक है, तो पहला पंक्ति लेंगे और तीसरा स्तंभ लेंगे, तो 1 में 2 का होगा 2, 3 में 3 का होगा तो 9, और 2 में -1 का होगा तो -2। ठीक है, फिर इसका लेंगे तो 2 में 2 का होगा तो 4, ठीक है, फिर 0 में 3 का होगा तो 0, फिर 3 में -1 का होगा तो -3। ठीक है, फिर इसका लेंगे तो 1 में 2 का होगा तो 2, और -1 में -3, सॉरी 3 का -3, और -1 -1 +1, तो ये हमको मिल गया ए स्क्वायर। वो क्या मिल गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को पूरा लिख लेते हैं सही से, 6 2 8 1 9, यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4,
यहाँ पे हो गया 9 2 11 में से 2 घट गया 9 ही, ठीक है। और 4 में से 3 घटा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 में से 3 घटा 0 यानी कि 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमको क्या मिल गया, 0। अब ए क्यूब निकालेंगे तो आपको बताए थे ध्यान से कि ए क्यूब निकालते वक्त हमको क्या करना होगा, पहले ए स्क्वायर लिखना होगा फिर ए, बताए थे ना कि ए टू द पावर एन प्लस वन से मतलब होता है ए टू द पावर एन इंटू ए, है ना। यानी पहले क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर हमारा क्या है, 9 1 9 5 3 1 -2 4 7। ए कितना है, ए भी लिख लेते हैं, ए हमको यहाँ से लेना पड़ेगा 132 रो वाइज कर रहे हैं, और 203 और 1 -1 -132 1 3 2 2 0 3 1 -1 -1, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए, कहीं कैलकुलेशन में गलती होगी तो उसको ध्यान ध्यान दीजिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो हम करते जा रहे हैं वही सही है, देखिए जो हम कर रहे हैं प्रोसेस वो सही है, हो सकता है हमसे कहीं पे कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गया तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसका गुणा करेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो 9 में 1 का होगा तो 9 और 2 और यहां पर फिर 9, फिर करेंगे तो 5 6 और 1, ठीक है। फिर करेंगे तो -2 +8 और 0, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो दूसरे स्तंभ से करेंगे 9 3 27 9 3 27 और यहां पे 0 और यहां पे हो गया -9, ठीक है। 5 15 0 -1, फिर करेंगे -6 0 यहाँ पर भी 0, ठीक है। फिर करेंगे यहाँ पे तो इसका इसके साथ 9 2 18 3 और -9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो गया 10 9, सही है, और -1, ठीक है, 10 9 -1, सॉरी। फिर इसका करेंगे तो -4 12 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए क्यूब, तो 9 9 18 2 20, ये हो गया 11 1 12 और ये हो गया 6, ये हो गया 27 में से 9 18, ये हो गया 14, ये हो गया -6 और ये हो गया 9 3 12, ये हो गया 18 और ये हो गया 8, ठीक है। ये हो गया ए क्यूब, अब हम लोग निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या, ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, ये लिखा है, एक बार देख लेते हैं हम। ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, ठीक है। तो अब यही है कि इन सबको लिखना होगा हमको, तो चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब को पहले। ए क्यूब है 20 18 12, ये हो गया 12 14 18, ये हो गया 6 -6 8, ठीक है। और -2 ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर, तो चलिए ऐसे कर देते हैं एक बार,
आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर जो है उसमें क्या कर दीजिएगा, दो दो का सब में गुणा कर दीजिए सभी एलिमेंट में, यानी डबल कर देना है। तो यहाँ पे है आपके पास ए स्क्वायर में क्या है, नौ, तो हो जाएगा अट्ठारह दो अट्ठारह, ठीक है, अट्ठारह दो अट्ठारह, अट्ठारह दो अट्ठारह, ठीक। फिर दूसरे पंक्ति में क्या हो जाएगा, पांच तीन एक है तो दो का गुणा होगा तो दस छः दो हो जाएगा, तो दस छः दो क्या हो जाएगा, दस छः दो, ठीक है। अब देखते हैं तो ए क्यूब ए स्क्वायर में क्या है, तीसरे में माइनस दो चार जीरो, माइनस दो चार जीरो, तो माइनस दो तो माइनस चार, और यहाँ आठ और जीरो हो जाएगा, दो से गुणा करा रहे हैं, टू ए स्क्वायर लिखना था, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, प्लस ए, अब ये क्या था, ये बार बार यही तो चीजें हैं यहाँ पे, ए जो है हमारा वो है वन थ्री टू टू जीरो थ्री वन माइनस वन माइनस वन, तो वन थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री टू टू जीरो थ्री वन माइनस वन बाई रो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मतलब मेरे पढ़ने का जो तरीका है रो वाइज पढ़ते हैं। और फिर आई कर देना, तो आई में हम जानते हैं वन जीरो जीरो होगा, जीरो वन जीरो होगा और जीरो जीरो वन होगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्री बाई थ्री सब हैं, तो यहाँ पे थ्री बाई थ्री आई लेंगे, अगर टू बाई टू के रहेंगे तो आई टू बाई टू का बस इतना ही लेंगे, ठीक है। अब इनको जो भी करना है जोड़ घटा लेते हैं, तो सब एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 20 में से 18 घटाएंगे दो आएगा, एक जोड़ेंगे तीन आएगा, एक जो एक घटा लेंगे तो फिर क्या आएगा, फाइनली दो ही आएगा, आ गया, ठीक है, यहीं पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे पूरा हम एक ही बार में लिख देंगे और लिखा भी जा सकता, ठीक है। क्या किया हमने, बी यहाँ पे घटाना, तो 20 में से 18 घटाया दो आया, फिर एक जोड़ा तो कितना आया, तीन आया, फिर एक फिर घटा दिया तो फिर कितना आया, दो ही आया। फिर अठ ये वाला कर लेते, अच्छा यही वाला कर लेते, तो 18 में से दो घटाया तो 16 आया, 16 में तीन जोड़े तो 19 है ना, और 19 में जीरो घटाएंगे तो फिर 19 ही रह जाएगा। फिर यहाँ 12 में से 18 घटाया, 12 में से 18 घटाए तो कितना आया, माइनस 6 आया, और माइनस 6 में दो जोड़े तो माइनस 4 हुआ, तो माइनस 4, और जीरो जोड़ने घटाने से कोई मतलब बनेगा नहीं। अब इसको देखते हैं, तो 12 में से 10 घटाया तो 2 आया, और 2 जोड़ा तो 4 हुआ, में से जीरो घटाया तो 4 हुआ। इसको देख लेते हैं, तो 14 में से 6 घटाया तो 8 हुआ, 8 में शून्य जोड़ा तो कितना हुआ, 8 ही हुआ, फिर एक जोड़ा तो कितना हुआ, 9, सॉरी एक घटाया तो कितना हुआ, 6 हुआ, सॉरी 7 हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो 18 में से 2 घटाया 16 हुआ, 16 में 3 जोड़ा 19 हुआ, 19 में एक भी कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं तो 19। इसके बाद 6 में से 4 घटाया, माइनस 4 घटाया तो 6 4 10 हुआ, 10 में से एक जोड़ा तो 11 हुआ, 10 में एक जोड़ा 11 हुआ, जीरो तो कोई बात है नहीं 11 हुआ। माइनस 6 में से माइनस 8 घटाया, माइनस 14 हुआ, माइनस एक जोड़ा तो प्लस माइनस 15 हुआ, ठीक है, सॉरी माइनस क्या था 14 तो माइनस 15 हुआ, ठीक है, माइनस 15 हुआ, और जीरो माइनस 15, ठीक है। अब इसमें से क्या किया, 8 में से शून्य घटाया 8 हुआ, माइनस एक जोड़ा तो 7 हुआ, और 7 में फिर एक और घटा लिया तो 6 हुआ, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कह रहा है यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स बताइए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, a इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट a हमको निकालना होगा, ठीक है, तो एडजॉइंट a सबसे पहले तो ये चेक करना होगा डिटरमिनेंट a निकाल के कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट a निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट a मतलब cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा,
यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया वन। ये क्या हो गया? वन। तो ये जब वन हो गया तो इसका मतलब ये जीरो के बराबर है नहीं, तो अतः ये क्या है, एक व्युत्क्रमणीय है, यानी ए का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो फिर हमको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा कि कोफैक्टर वाला हमको निकालना होगा, यानी ए सी निकालना होगा, ए रेस टू सी, यानी कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालना होगा, सखंड वाला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वन वन। ए वन वन जब हम निकालेंगे तो ये वाला होगा तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा माइनस वन के पावर वन प्लस वन होगा, है ना। यहाँ पे यहीं पे देखिए माइनस वन के पावर वन प्लस वन तो प्लस होगा, तो सीधे लिख रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लिख नहीं रहे माइनस वन के पावर वन प्लस वन, प्लस आएगा कि माइनस आएगा हम डायरेक्ट वो लिख लेंगे, ठीक है। ए वन वन हो गया, ये कॉलम रो छोड़ दिया, बचा क्या कॉस अल्फा। ए वन वन हो गया कॉस अल्फा, ठीक है। ए वन टू निकालते हैं, तो वन टू है क्योंकि, तो विषम आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस हो गया साइन अल्फा, या फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं माइनस माइनस साइन अल्फा, फाइनली हो गया साइन। ए टू वन निकालते हैं तो ये भी माइनस आगे आएगा क्योंकि माइनस वन के पावर विषम। अब ये छूटेगा, ये छूटेगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर क्या ए टू टू निकाल लेते हैं, ए टू टू निकालेंगे तो फिर ये तो प्लस होगा और इसको छोड़ देंगे तो होगा क्या कॉस अल्फा। अब यहां से हमारा ए सी मिल गया, ए रेस टू सी मिल गया कोफैक्टर वाला, तो यहां पे बचा बना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर से वही मिल गया कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब कोफैक्टर निकल गया तो इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम निकालें एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट ए क्या होता है, इसी का क्या होता है ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति और स्तंभों को बदलना है, तो कॉस अल्फा यहाँ हो जाएगा, साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा यहाँ हो जाएगा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब जो है हमको एडज्वाइंट मिल गया, तो ए इनवर्स हमको निकालना है और हमने डिटरमिनेंट ए निकाला ही है, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए वन है तो एक से डिवाइड करने से इनमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ये आपका ए इनवर्स हो गया जो ए दिया था क्वेश्चन में उसका, ठीक है। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों में प्रकट करिए, यानी ए को ऐसे लिखना है ना, ए को ऐसे लिखना है कि यहां पे सममित हो प्लस विषम सममित। तो हम जानते हैं, आपको बताया है कि सममित आव्यूह P बराबर क्या होगा, एक बटे दो ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज ए टी भी लिख सकते हैं, तो एक बटे दो बस हो तो गया, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, ए क्या है तीन सात दो पाँच, तो ए डैश क्या होगा, यहाँ से ए डैश होगा आपका तीन सात इधर से कॉलम वाइज दो पांच, ठीक है, तीन दो सात पांच, ठीक। अब क्या होगा a प्लस ए डैश कर लेते हैं, तो a प्लस ए डैश करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा तीन तीन नौ, तीन तीन नौ सात दो नौ फिर से, ठीक है, तीन तीन छ होगा, तीन तीन छ सात दो नौ और सात दो नौ यहां पर भी और पांच पांच दस, तो हो गया a प्लस ए डैश, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो तीन में से तीन घट गया जीरो,
सात में से दो घट गया पांच, और यहां पर दो में से सात घट गया माइनस पांच, और पांच में से पांच घट गया जीरो। ठीक है, अब जो है हमारा जो अब आव्यूह जो बदलेगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एक बटे दो ए प्लस ए डैश ये सममित हो गया, प्लस एक बटे दो ए माइनस ए डैश क्या हो गया विषम सममित हो गया, और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका एक बटे दो, इसको एक बटे दो को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है अंदर आव्यूह में गुणा करने का, यानी ए प्लस ए डैश में उसको ऐसे ही रहने दीजिए, छ नौ नौ दस। ठीक है, ये सममित वाला हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस में एक बटे दो जीरो पांच जीरो माइनस पांच, ये विषम सममित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप थ्री बाई थ्री का लेकर के आप लगाइएगा। ठीक है, कोई आव्यूह दिया रहेगा और उसको बोल दिया रहेगा कि सममित तथा विषम सममित में प्रकट करिए, तो ये हो गया। तो ये एक आव्यूह दो आव्यूह में टूट गया, जहां पे एक आव्यूह सममित है दूसरा क्या है विषम सममित है। ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है इंजीनियरिंग में बहुत जगहों पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं प्रैक्टिकल दिखेगा क्योंकि आप केवल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बराबर ए जो है ये आव्यूह है और एक क्या है एक एक आव्यूह है। तो एक ही आव्यूह के लिए हमने क्या देखा कि ए थीटा और ए का गुणा आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए थीटा आई ए और ए का गुणा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, एक और ए थीटा का गुणा आई के बराबर होना चाहिए। तो पहले ए दिया है तो ए थीटा हम निकालेंगे। तो ए थीटा क्या होता है, संयुग्मी का परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं हर्मिटियन बोलते हैं। तो ये क्या होता है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हर्मिटियन आव्यूह तो होता है जिसमें कि संयुग्मी परिवर्त आव्यूह क्या हो जाए, यानी थीटा बराबर हो जाए उसी आव्यूह के, तो उसको हर्मिटियन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो संयुग्मी परिवर्त आव्यूह यानी ए थीटा है और ए का गुणा अगर आई के बराबर हम सिद्ध कर देते हैं तो वो ए जो होगा क्या कहलाएगा एकी का आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए थीटा निकालते हैं, ए थीटा तो संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, तो ए थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा ए बार निकालना होगा। ठीक है, ए बार मतलब संयुग्मी आव्यूह, तो एक बट्टे करड़ी में तीन एक वन माइनस आई, क्योंकि प्लस है तो संयुग्मी क्या हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम ए थीटा निकालते हैं, यानी कि ये है इसका परिवर्त। तो परिवर्त जब करते हैं तो एक बटे तीन तो यहाँ पे गुणा है तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा वन माइनस में ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब क्या है इसका गुणा करना है ए के साथ और हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर करते हैं हम लोग। तो हम निकालते हैं ए इंटू ए थीटा, तो ए कितना है आपका एक बटे करड़ी में तीन, सेम तो दिख रहा है, तो ये है वन वन प्लस आई और वन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, ये ए है, देखिए वहां पर ए है और ये ए थीटा भी क्या है वही है, तो एक बटे तीन। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि मतलब दोनों आव्यूहों में कि एक ही स्केलर से गुणा है, तो इस स्केलर को हम बाहर कर सकते हैं और एक बटे तीन लिख सकते हैं, है ना, चाहे तो इसका एक बटे तीन का इसमें गुणा करा दीजिए। तो एक बटे तीन का हम गुणा नहीं कराते हैं, ठीक है, एक बटे तीन मतलब कॉमन कर सकते हैं ना यहाँ पे दोनों में अलग अलग एक बटे तीन उसको क्या कर लेते हैं हम लोग बाहर बाहर से ही, क्योंकि स्केलर की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का क्या कर सकते हैं, जैसे लिखा था के ए और के बी लिखा है या फिर के ए और एल बी लिखा है, तो के और एल का गुणा कर दीजिए फिर ए बी का आपस में गुणा कर दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर की क्या होती है प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है,
तो एक बटे रूट थ्री, एक बटे रूट थ्री दोनों का हम कर लेंगे, लेकिन अभी लिख लेते हैं एक बटे रूट थ्री वन वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई थ्री। अब फिर इसका गुणा करते हैं ए वन बाई वन करके, तो क्या होगा इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो वन का वन में वन, और फिर वन जो है सॉरी इसका जो है इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा वन प्लस आई और वन माइनस आई, क्या हो जाएगा वन माइनस आई स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, वही चीज लिखा हमने। फिर इसका करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं, तो इसका करेंगे एक में तो ये होगा वन माइनस आई, और इसका करेंगे तो माइनस वन, क्योंकि माइनस है ध्यान दीजिएगा माइनस वन और प्लस आई। फिर करते हैं गुणा, अब फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करते हैं ना, यहां पर जो आने वाला है तो एक का इसके साथ होगा तो वन प्लस आई, ठीक है, इसका माइनस वन के साथ होगा तो माइनस वन माइनस आई, ठीक है। अब इसका इसके साथ होगा तो यहाँ पे देखिए फिर से वन माइनस आई वन प्लस आई क्या होगा आई वन माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी दो गुणा होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस वन का वन में हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस वन, माइनस वन का माइनस वन। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ है एक बटे तीन, अब देखिए ये हो गया वन प्लस वन, अब क्या आपको पता है आई जो होता है वो माइनस में रूट वन होता है, तो आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन के बराबर होगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान माइनस वन के बराबर होता है। तो आई स्क्वायर का मान माइनस वन रखेंगे तो पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये क्या है देखिए आई से आई घट के जीरो, वन में से वन घट के जीरो, तो ये जीरो, यहाँ पे i से i क्योंकि यहाँ प्लस प्लस माइनस तो घट के जीरो, और यहाँ पर भी घट के ये वन वन जीरो, और यहाँ फिर से वही बात हुई वन प्लस वन प्लस वन। तो फाइनली हुआ क्या हमारे हमारे लिए मिला एक बटे तीन तीन जीरो जीरो तीन। अब क्या करते हैं क्योंकि एक बटे तीन का इसमें गुणा होना हर एक अवयव में, तो हर एक अवयव में जब गुणा होगा क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे होगा तो एक बटे तीन में तीन का वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये हमारा क्या था a इंटू ए थीटा। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, ये क्या मिल गया किसके बराबर मिल गया a इंटू ए थीटा किसके मिल गया बराबर i के बराबर। तो अगर ये सिद्ध हमने कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि a एक क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, एकीक आव्यूह है, ठीक, तो ये प्रूव हो गया। ये सवाल पूछा हुआ था आपके एग्जाम में एक बार, ठीक है। अब ये सवाल है आपके सामने, इसको करना है। अब थ्री बाई थ्री का एक लेके हम करा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पे सवालों सवाल जितने हैं, ठीक है, और बाकी आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो सवाल भेज सकते हैं, आपको नंबर बताएं पिछले क्लास में, ठीक है। आव्यूह ये दिया हुआ है, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, एक आव्यूह ए है, ठीक है, मान लीजिए ए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यानी सारणिक निकालेंगे तो ये होगा दो पाँच तीन कुछ ऐसा, तीन एक दो एक, ठीक है, निकालते हैं सारणिक। तो आप जब सारणिक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, ये दो और ये क्या होगा प्लस, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, तो इधर गुणा होगा एक माइनस चार, फिर क्या होगा माइनस पांच, तो ये फिर स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, तो फिर क्या होगा तीन में से एक, तीन तीन और एक बचेगा ना यहाँ पे, और दो और एक, तो तीन में से तीन में एक का होगा तो एक, और दो में एक का होगा तो दो, फिर प्लस, फिर यहाँ पे होगा तीन, और फिर क्या होगा ये स्तंभ ये पंक्ति छूट गया तीन दूनी छह में से एक, छह माइनस एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस छह, यहां पे क्या हो गया माइनस पांच,
और यहां पे क्या हो गया प्लस 12। ठीक है, तो यहां पर तो 1 आ गया, 5 × 3 = 15 हो गया, सॉरी 5 × 3 क्या हो गया 15। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया 6 × 5 = 11, 15 घट गया 4, 15 जुड़ा, कहने का मतलब 15 जुड़ा −11 तो कितना आ गया 4। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब व्युत्क्रम हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। अब वही समस्या है कि A इनवर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, A11 सारे निकालने होंगे, A11, 12 सारे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये 11 है तो यहाँ पे प्लस होने वाला है साइन, और ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा 1, 2, 2, 1। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या फिर सीधे गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम लिख के ही दिखा देते हैं ताकि आपको आपके साथ गलती ना हो। तो 1 में 1 का होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया −3। ठीक है, अब हम लिखना चाहते हैं फिर A12। यही लिखे, चलिए लिखते हैं A12। A12 क्या हो गया, ये वाला सबसे पहले तो यहां माइनस साइन होगा क्योंकि −1 / 1 + 2 यानी 3 होगा जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, सॉरी विषम होगा, तो विषम किसी भी नेगेटिव जैसे −1 / विषम रखेंगे तो क्या होगा, विषम है तो नेगेटिव आएगा −1। ठीक है, तो यहां से फिर क्या होगा, इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहां से होगा क्या 3, 1, 2, 1 बचा, तो फिर यहां पे गुणा कर लेंगे तो −3 और −2, तो यहां आया −1, क्या आया −1। तो इसी तरह से सभी अवयवों को आप निकालेंगे। ठीक है, हम जो है बता देते हैं क्या है आएगा A13 जो है, इसी तरह से आप सभी अवयवों को क्या करेंगे निकालेंगे। आप समझ गए होंगे दो अवयव जब निकाले हैं तो क्या करना है आपको, आपको ये करना है जैसे A11 जब आप निकाल रहे हैं तो वो क्या है, इस 11 मतलब ये वाला, तो इसका जो कोफैक्टर होगा ये कोफैक्टर कहलाता है सखंड, किसका इसका, तो इसका जो स्तंभ है और इसका पंक्ति छोड़ने के बाद जो मिल रहा है और साथ में साइन आगे, साइन किसके अनुसार आता है −1 / ये आई और जे दोनों को रखते हैं i + j। ठीक, तो उस आधार पर आ रहा है, तो इस तरह से बाकी सभी अवयव निकाल लेंगे आप। ठीक है, लंबा प्रोसीजर होने वाला है इसीलिए थोड़ा हम छोड़ रहे हैं, हम सीधे क्या बताते हैं डायरेक्ट आपका इसका डायरेक्ट हम ले लेते हैं इसका कोफैक्टर आवी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर यानी कि एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसी क्या होगा, तो होगा कैपिटल में A11, A12, A13। ठीक है, यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ पे A31, A32 और A33 है ना, इन सबको आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सब निकलने के बाद जो आ रहा है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो आ रहा है −3 − 1। ठीक है, क्या यहाँ पे −3 − 1 आ रहा था, जी बिल्कुल आ रहा था, ऐसे ही आप निकालेंगे तो −3 − 1 रो वाइज लिख रहे हैं हम। ठीक है, 5 दूसरे रो में, 1 − 1 = 1 तीसरे रो में, 7 − 5 = 13 −13। ठीक है, तो ये आया अभी आपका एसी, लेकिन एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट यानी सहखंडक जो होता है इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है यानी परिवर्त होता है, तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, ADJA मिल जाएगा हमको, तो ये ट्रांसपोज हमने ले लिया, ट्रांसपोज लिया तो हमारा क्या हो गया, ये जो कॉलम है रो में बदल जाएगा तो −3 = 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम रो में −1 − 1 = 5। ठीक है, तो 5 − 1 − 13। ठीक, तो ये हो गया, तो ये हमारा क्या मिला, एडजॉइंट ए मिल गया। अब क्या करना है, ए इनवर्स हमारा होता ही क्या है, ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ए,
डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई डिटर्मिनेंट ए, थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए और ये सब पता ही है, हम यहाँ पे सवाल को सीधे लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ए अभी निकाला एक बटे चार था, तो एक बटे चार हो गया, और यहाँ पे जो भी है माइनस तीन एक सात माइनस एक पाँच पाँच एक माइनस तेरह। अब देखिए, अब आप चाहे तो चार से इसमें भाग भी कर सकते हैं हर एक में, तो वो करते नहीं है। ठीक है, मतलब एक बटे चार से गुणा, जब आपका सभी कटेगा तभी करिए, नहीं तो उसको एक बार यहाँ तीन बटे चार रखने से कोई भद्दा दिखेगा। ठीक है, तो एक बटे चार को इधर ही रखते हैं अंदर, क्योंकि तीन बटे चार एक बटे चार सात बटे चार ऐसे करके। ठीक है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा आपका, ऐसे ही रख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉन चार, यहाँ पे अपॉन चार, यहाँ पे सब पे अपॉन चार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सवालों को लगाना है। पहले चैप्टर से बस ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डेफिनेशन एक नंबर में या ऐसे सवाल दो नंबर में। ठीक है, इनसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं होता है। अब आगे जो है और भी चीजें हैं इसमें, आव्यूह में ही और भी चीजें हैं जो नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत होंगी, तो उनको हम लोग देखेंगे, तो उसमें बड़े बड़े सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।